everyone, welcome to the video. इस वीडियो में हम कवर करते हैं रोज के टॉप 5 करंट अफेयर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. एंड द क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन चुने गए हैं? योर ऑप्शंस आर राहुल द्रविड़, विराट कोहली, अमोल मुचमुदर या फिर अनिल कुंबले. करेक्ट आंसर इज अमोल मुचमुदर. अमोल को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच चुन लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंट हैंड्स विद IIT कानपुर टू एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया. किस ऑर्गेनाइजेशन ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन और इनोवेशन को प्रमोट कर सके? योर ऑप्शंस आर नासा, स्पेस एक्स, बोइंग या फिर एयरबस. करेक्ट आंसर इज एयरबस. IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ एयरबस ने पार्टनरशिप कर ली है ताकि वो एरोस्पेस एजुकेशन और इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द US हाउस. US हाउस के न्यू स्पीकर किनको चुना गया है? योर ऑप्शंस आर नैन्सी पेलोसी, मिच मैकोनल, माइक जॉनसन, चुक चुमर. करेक्ट आंसर इज माइक जॉनसन. माइक जॉनसन जो कि US हाउस के न्यू स्पीकर चुने गए हैं, इनको 220 वोट्स मिली थी और इनसे पहले केविन स्पीकर थे लेकिन 3 अक्टूबर को उनको हटाने के बाद न्यू स्पीकर की अभी तक सीट खाली थी जिसको कि माइक जॉनसन ने फिल किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन किसे चुना गया है? योर ऑप्शंस आर अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान. करेक्ट आंसर इज राजकुमार राव. राजकुमार राव को नेशनल आइकन चुना गया है. ये ऐसे ही उन्होंने एक मूवी के साथ काम किया था जिसका नाम था न्यूटन. उस मूवी में उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रोल जो है वो अदा किया था और उसी से रिलेटेड अब इनको नेशनल आइकन चुना गया है. लास्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज होस्टिंग द UN फॉर्म ऑन फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन. कौन सी कंट्री फॉरेस्ट फायर सर्टिफिकेशन को होस्ट करेगी? योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया या फिर ब्राजील. करेक्ट आंसर इज इंडिया. उत्तराखंड में 2 दिन का इवेंट होगा जिसका नाम होगा फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन. इसमें 55 रिप्रेजेंटेटिव जो कि 30 कंट्रीज से आएंगे और 20 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से 41 लोग जो है वो पार्ट लेंगे. इनकी पार्टिसिपेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से होगी. इस इवेंट में फॉरेस्ट फायर के रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे कि उनको कैसे जल्दी से हैंडल किया जा सकता है और इस इवेंट का मेन गोल है कि फॉरेस्ट की कैसे टेक केयर की जा सकती है. और इस साल ये इवेंट इंडिया में होस्ट होगा. ये थे आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स. कल की वीडियो को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करें डेली स्पॉट.